हेलो एवरीवन, आरआईएमसी के बारे में बात करते हैं बेटा। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ इंग्लिश के लिए। खासकर बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के पेपर में कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसका मेन रीज़न है उनको डिटेल्ड सिलेबस नहीं मालूम होता आरआईएमसी के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जब वो स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस देखने वाले हैं बेटा आरआईएमसी सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आती हैं इंग्लिश में वो आपको दिखाएंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंग्लिश की। इंग्लिश में बेटा देखो सिलेबस क्या क्या है आपका, उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्लियरिटी होना ज़रूरी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, सो देहरादून इज़ द सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, और इफ आई से दैट आई प्ले बैडमिंटन, सो हेयर बैडमिंटन इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर बाद में आप क्या पढ़ने वाले हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने वाले हो। देन देर आर टेंसेज ऑल्सो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, टेंसेज विल हेल्प यू इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। ठीक है, देन उसी का एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, देन टेंसेज से रिलेटेड ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू शुड नो ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। ठीक है, ये भी डिटेल में आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, पजेसिव रिफ्लेक्सिव, दिस ऑल यू शुड नो। देन आर्टिकल्स वेरी, इस बार भी आरएमसी में क्वेश्चन आया, लास्ट क्वेश्चन था बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। देन वर्ब, ठीक है, वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वर्ब से ये वर्ब और टेंसेज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार कैसे क्वेश्चन बच्चों से पूछे गए थे, एक वर्ड दिया था जो कि एक नाउन था, आपको उसका वर्ब फॉर्म लिखना था। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ इज़ अ नाउन, लेकिन इफ़ आई राइट स्ट्रेंथन, तो स्ट्रेंथन क्या है, वो वर्ब है बेटा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनकी नाउन रिप्रेजेंटेशन और वर्ब रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडवाइस है, ए डी वी आई सी ई, दिस सी ई वाला एडवाइस नाउन होता है बेटा, दिस इज़ अ नाउन। और अगर मैं इसी एडवाइस को ए डी वी आई एस ई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। तो इस बार क्वेश्चन आया था आरएमसी में। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल्ड आपको जानना ज़रूरी है। देन एडवर्ब्स आर देयर अगेन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीपोजिशंस इस बार भी क्वेश्चन आया था प्रीपोजिशन बेस्ड, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, बेसिकली दिस ऑल एट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंग्लिश में आप कुछ भी कहो वो यहीं से निकल के आता है बेटा। देन देर आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, टेंसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एंड देन आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज आएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे इस बार कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव पूछा गया था। देन देर आर idioms, idioms भी बहुत इंपॉर्टेंट है, phrasal verbs से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, हर बार आते हैं, क्वेश्चन टैग्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट सिंटेक्स, इससे भी आपके इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिंटेक्स हैं जो इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज देयर, आता ही आता है एग्जाम में, इस बार भी आया था। पोएम इज देयर, इस बार भी आई थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो पूरा रीडिंग वाला पार्ट है। लेटर इज देयर, स्टोरी बेस्ड ऑन प्रोवर्ब्स और बेस्ड ऑन सिचुएशंस ऑल्सो, ठीक है, मैं इसको बेस्ड ऑन सिचुएशंस भी लिखना चाहूँगा। जैसे इस बार एक स्टोरी आई थी, आपको एक सिचुएशन दी थी और आपने एक स्टोरी लिखनी थी, ठीक है, सो स्टोरीज विल कम बेस्ड ऑन सिचुएशंस, बेस्ड ऑन प्रोवर्ब्स। ठीक है, एसेज, व्यूज कैन ऑल्सो कम, समरी, ठीक है, आपको एक पैराग्राफ देगा एंड यू हैव टू राइट इट्स समरी। ठीक है, कॉम्पोजिशन, वोकैबलरी, वोकैबलरी में अगेन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वोकैबलरी विल मेक योर इंग्लिश मोर इफेक्टिव, इफ यू यूज गुड वर्ड्स इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प इन योर राइटिंग पार्ट एज वेल एज इन योर इंटरव्यू। देन देर इज पिक्चर परसेप्शन, डिस्क्रिप्शन, स्टोरी, ठीक है, बेसिकली अ पिक्चर विल बी शोन टू यू एंड यू हैव टू राइट अ स्टोरी फ्रॉम दैट पिक्चर, सो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ योर इंग्लिश सिलेबस। ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल्ड एक इंग्लिश सिलेबस आप लोगों के लिए बनाया है। इसके अलावा आप जब डिटेल्ड इन सारी चीज़ों को कवर करोगे तो बहुत एडिशनल चीज़ें, एडिशनल सिंटेक्स आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एडिशनल आपको समझ में आएंगी। तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, टेंसेज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करी, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, देन idioms, phrasal verbs, क्वेश्चन टैग्स, इंपॉर्टेंट सिंटेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पोएम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेटर, स्टोरी बेस्ड ऑन सिचुएशंस एज वेल एज प्रोवर्ब्स,
essays, views, summary, composition, vocabulary, antonyms and synonyms. Vocabulary is very important, बच्चों को ध्यान में रखनी है. And then at last, stories based on picture. ठीक है, तो ये एक मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए सिलेबस है इंग्लिश का, जिसको आपने अच्छे से देखते हुए करना है. बुक्स की मैं बात करूँ तो मैं बुक्स कुछ आपको ज़रूर रिफ़र करूँगा. इफ़ आई टॉक अबाउट बुक्स, ठीक है, तो बुक्स में एक तो रेन मार्टिन अच्छी बुक है. ठीक है, रेन मार्टिन इज़ अ गुड बुक, आप इसको इसका यूज़ कर सकते हैं. देन देर इज़ जोसेफ मयाल बिस्वास इज़ ऑल्सो देयर. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड इंग्लिश बुक. एंड थर्ड जेसी पब्लिकेशन. ठीक है, एक जेसी पब्लिकेशन की भी है, सीनियर इंग्लिश की बुक है जेसी पब्लिकेशन. ओके, सीनियर इंग्लिश. आप कोई से भी एक रेफर कर सकते हैं, कोई से भी एक. ठीक है, कोई से भी एक आपको अच्छी लगे तो इट कवर्स ऑल ऑफ द सिलेबस ऑफ योर्स आरएमसी एग्जाम. ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट.